डियर स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना जैसा कि जानते हैं आप मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज टेन को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ब्रिथ तो ब्रिथ में हम लोगों ने पिछले बार पिछले क्लास में थ्योरी को पढ़ा चलिए आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन के कुछ क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है तो इसका आंसर हो जाएगा एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो इसका कर दीजिएगा अनंत आंसर में और इसका चाहे तो फिगर बनाकर पेंसिल से प्रकाल की सहायता से उसको गोल बना लीजिएगा पेंसिल की सहायता से और एक यहाँ पर स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श रेखा यहां पे यहाँ पे स्पर्श रेखा ढेर सारा स्पर्श रेखा खींच देंगे ठीक है इसका मतलब हुआ कि अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है ठीक है चलिए अब दूसरा के मैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए क्या बोल रहा है जहाँ जहाँ रिक्त स्थान है ना उसको पूरा करना है तो बोला क्या जा रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा ठीक है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी स्पर्श रेखा होता है वृत्त पर तो वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा होगा तो हम लोग उसको एक ही बिंदु में ना टच करती है इसलिए राइट आंसर यहाँ हो जाएगा एक ठीक है किसी वृत्त का जो स्पर्श रेखा होगा उसे कई वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो स्पर्श रेखा का मतलब होता है खाली एक बिंदु पर टच करना तो इसका आंसर हो जाएगा यहां भर दीजिएगा एक ठीक है अगला क्वेश्चन है को को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो ब्रीत के दो गो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा मतलब कि ऐसे या फिर ऐसे मतलब कोई भी दो गो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तब इसको नाम देते हैं दोस्तों प्रतिच्छेदी रेखा इसको क्या नाम देते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या इसका दूसरा नाम हम लोग छेदक रेखा भी इसको कह सकते हैं छेदक रेखा भी कह सकते हैं प्रति छेदी रेखा भी कह सकते हैं ठीक है तो याद रखिएगा कि वृत्त को दो यहाँ लिखा है ना दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो जब दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, यानी कि आर पार हो जाएगा तो जब कोई रेखा वृत्त के आर पार हो जाता है तब हम आपको बताना है कि उसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा या फिर उसको छेदक रेखा के भी नाम से जानते हैं तो दूसरा में आपको यहाँ पे क्या लिखिएगा प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं या छेदक रेखा कहते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड है एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वृत्त पर कितना समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो आपको हम बताए हैं कि किसी वृत्त पर केवल और केवल दो गो समांतर रेखा खींचा जा सकता है आपको याद दिला दें एक वृत्त है और इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा इसे हो सकता है और दूसरा स्पर्श रेखा ऐसे हो सकता है दोनों क्या है समांतर है तो यहाँ बोल रहा था एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है तो एक वृत्त पर कितना समांतर भी हो रेखा होगा जो स्पर्श रेखा भी हो सकती है तो राइट आंसर होगा टू है ना यानी कि एक ब्रीत पर दो गो समांतर रेखा होगा दो गो समांतर रेखा होगा और वे आपस में स्पर्श रेखा भी होंगी अगला क्वेश्चन चौथा है दूसरा का चौथा वृत तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु देखिए आपको नया नाम सुनने को मिल रहा होगा उभयनिष्ठ बिंदु तो उभयनिष्ठ बिंदु के बारे में जान लीजिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के जो उभयनिष्ठ बिंदु है उसको हम लोग क्या कहते हैं तो जैसे मान लिया कि अगर कोई वृत्त है और उस पर कोई स्पर्श रेखा गुजारते हैं तो एक बिंदु से गुजरता है ना वही बिंदु को कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु या फिर बोला जाता है इसको स्पर्श बिंदु तो इस इस उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला जो स्पर्श रेखा है उसको हम लोग क्या कहेंगे स्पर्श बिंदु कहते हैं तो यहां भर आएगा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु उभयनिष्ठ का मतलब कि उसी रेखा पर वाला बिंदु ठीक है जो वृत्त पर भी आन आता है और रेखा में भी आता है यानी कि इसीलिए इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ तो उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु कहते हैं ठीक है तो दूसरा का ये चार खाली स्थान था तो आप चारों भर लिए होंगे आई होप चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे अब थ्री नंबर क्वेश्चन क्या आप बोल रहे हैं जरा सवाल पढ़िए बोला जा रहा है आ, पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू जो है 12 सेंटीमीटर हो जाता है देख लो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सबसे पहले क्या बोल रहा है भाई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ब्रीत ठीक है तीसरा वाला क्वेश्चन, एक बनाइए, ठीक है एक ब्रीत का केंद्र हमको पता चल रहा है ओ है केंद्र क्या है ओ और इसका बोल रहा है कि कितना सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है तो पांच सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है तो इसका त्रिज्या जो है पांच सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसी को ना कहते हैं यहां से यहाँ तक पांच सेंटीमीटर है फिर क्या बोल रहे भाई कि पांच सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा PQ। अब यहाँ पे एक बिंदु है जिसका नाम है पी और इसी पर एक स्पर्श रेखा है पी पर स्पर्श रेखा इसे गया है आप पेंसिल से इसको ड्रॉ कीजिएगा पी पर स्पर्श रेखा है और कहाँ तक जाती है मान लीजिए यहाँ तक क्यू तक जाती है और ओ और क्यू को मिला देने से ओ और क्यू को मिला देने से ओ क्यू का लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर यानी कि ये वाला 12 सेंटीमीटर है तो हमको क्या करना है पी क्यू का लंबाई निकालना है यानी यहां से लेकर यहाँ तक का लंबाई निकालना है यहाँ से याद रखिएगा कि हमेशा त्रिज्या किसी वृत्त का त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा याद रखिएगा नब्बे डिग्री का कोण बनता है यानी कि आप जो है ना इसको नोट करके कहीं अच्छे जगह पे लिख लीजिएगा नोट में नोट में करके कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच स्पर्श रेखा के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है याद रखिएगा तो आप यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे क्यों क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है तो इधर भी नाइन्टी हो सकता है इधर भी नाइन्टी हो सकता है हालांकि इधर हमको काम नहीं है इधर कुछ नहीं हमको काम है इसलिए हम चलेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में त्रिभुज पी ओ क्यू में आप देखिएगा तो सबसे बड़ी भुजा कौन है बारह ओ क्यू सबसे बड़ी भुजा है तो हम इसको कर्ण बोल देंगे तो कर्ण है बारह सेंटीमीटर और लंब कौन सा है तो लंब है ओ पी लंब है तो लंब हमको पी है पी को मतलब परपेंडिकुलर पी मतलब लंब है ना तो पी का वैल्यू हम लोगों को 5 सेंटीमीटर है तो बी निकालना है यानी कि पी क्यू सवाल में बोल रहा था तो बी निकालना है तो हम आपको ट्रिगो के फार्मूला में बी का तो वैल्यू निकालना सिखाए हैं बी का फार्मूला कौन सी होता है तो बी का फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नहीं आप इससे चलिएगा एच का मान रखिएगा पी का मान रखिएगा और रूट का तो रूट रहेगा अब इसको सॉल्यूसन कीजिएगा और जितना आएगा देख लीजिए ऑप्शन में हम लोगों का क्या क्या आएगा 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर रूट अंडर एक सेंटीमीटर तो आप इसका वैल्यू निकालिएगा जितना आएगा वो ऑप्शन में देख लीजिएगा तो इसको आपको हम हिंट्स कर दिए फिगर बना के खुद से सॉल्यूशन कर लेना है सॉल्यूशन करने के बाद देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होता है ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे और ये क्वेश्चन नंबर फोर जो है लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज टेन पॉइंट वन का लिखा हुआ एक वृत्त खींचिए और दो और दो एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसा रेखा खींचिए कि उनमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो देखिए बोला जा रहा है ना कि एक वृत्त खींचिए आप प्रकाल की सहायता से बिल्कुल गोला एकदम अच्छा वृत्त खींचिएगा बढ़िया एकदम है ना पेंसिल की सहायता से अब क्या बोल रहा है कि जिसके अकॉर्डिंग इसका केंद्र भी होगा अब क्या बोल रहा है ना कि एक समांतर रेखा खींचिए एक नहीं सॉरी दो ऐसा समांतर रेखा खींचिए कि एगो छेदक रेखा होना चाहिए अब एगो स्पर्श रेखा होना चाहिए तो आप कोई भी स्पर्श रेखा बना लीजिए हम मान लिए कि ये देखिए स्पर्श रेखा है इंच से सीधे मिला लीजिएगा स्पर्श रेखा और गो ये स्पर्श रेखा हो गया स्पर्श रेखा हो गया एक वाव इसी स्पर्श रेखा के समांतर खींचना है और ऊ वाला जो होना चाहिए छेदक होना चाहिए तो आप इसको खींच दीजिए है ना ये हो जाएगा अपने हिसाब से ताकि लगे कि हम लोगों का पैरेलल है तो इसको हम लोग कहेंगे छेदक रेखा और यहां स्पर्श रेखा जो है स्पर्श रेखा जो है समांतर है छेदक रेखा का ठीक है तो कुल मिलाकर देख पा होंगे यहाँ स्पर्श रेखा छेदक रेखा दोनों क्या है समांतर है तो यही हम लोगों को सवाल भी बोल रहा था कि दो ऐसा रेखा खींचो जिसमें एक वृत्त का स्पर्श रेखा होना चाहिए और वो छेदक रेखा होना चाहिए और दोनों आपस में समांतर होना चाहिए तो ये एक्चुअली हम लोगों को ऐसा ही फिगर बनेगा आप इस डायग्राम को पेंसिल की सहायता से इंच की सहायता से बिल्कुल सही मायने में बनाइएगा ठीक है तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों का टेन पॉइंट वन एक्सरसाइज पूरा तरीके से खत्म हो गया अब हम लोगों को बच रहा है टेन पॉइंट टू एक्सरसाइज वो भी दिखाते चले हम आपको तो टेन पॉइंट टू एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन थर्टीन है ठीक है जिसमें कुछ सिद्ध करने वाला है और कुछ मान निकालने वाला है तो हालांकि अगले क्लास में हम टेन पॉइंट टू तो शुरू नहीं करेंगे इसके पहले कुछ जरूरी बात होगा समझने के लिए कुछ जरूरी फार्मूला होगा या फिर डेफिनेशन होगा परिभाषा होगा उसको हम लोग सीखेंगे तब हम लोग आगे के एक्सरसाइज को पढ़ेंगे यानी कि पाँच से छह दिन सात दिन लगभग ये लग जाएगा और तभी हम लोगों का खत्म हो जाएगा तो छः सात दिन के बाद हम लोग फिर से नया चैप्टर शुरू करेंगे तो फिर फिलहाल एक ही चैप्टर बच रहा है और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे आ, इसके थ्योरी टेन पॉइंट टू के लिए कुछ फार्मूला थ्योरी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद